हेलो एंड वेलकम बैक। तो बच्चों, हमने जो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमने उसमें जो है एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो है वो कंप्लीट कर ली है। हमने जो है उसमें पहला वाला जो कैटेगरी है वो कंप्लीट कर ली है, ये वाली हमने पूरी कैटेगरी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग जो है इस वीडियो में नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। अब हमारा एम है इस में नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि है इसके ऊपर कि हाउ पीपल इंटरैक्ट, ठीक है, कि लोग आपस में जब डिसीजन आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन मतलब इकोनॉमिक इंटरेक्शन, जब लेन देन करते हैं तो वो क्या सोच के करते हैं और किस रीजन से करते हैं और क्या किस तरह से वो उस केस में जो है डिसीजन लेते हैं। तो हमने पहला वाला जो कैटेगरी करी थी वो इसलिए थी कि लोग अपने लिए कैसे डिसीजन लेते हैं। अब हम करेंगे कि लोग जब आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वो क्या सोच के या क्या क्या उनके दिमाग में उस पर चल रहा होता है, अब हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हमें सबसे पहले चलना है, इसमें हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला है उसमें फिफ्थ वाला, तो 5, 6, 7, 3 है इसमें हाउ पीपल इंटरैक्ट। तो इसमें सबसे पहले है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, कि ट्रेड जो है वो हरेक को बेटर बना सकता है, हरेक का फायदेमंद होता है। नाउ पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ट्रेड का मतलब क्या है, ऐसी क्या चीज है जिससे कि हरेक का फायदा होता है। ठीक है, ट्रेड का मतलब इकोनॉमिक्स में बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग है, सिंपल बाइंग एंड सेलिंग। इसका मतलब, ठीक है, हम लोग नॉर्मली जब ट्रेड के बारे में बात करते हैं हमारा मतलब यूजुअली फॉरेन ट्रेड से होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, वो एक बहुत स्पेसिफिक, उसको भी ट्रेड कहते हैं, बट नॉर्मली हम लोग जो जनरल इकोनॉमिक्स में जो ट्रेड के बारे में बात करते हैं वो है कि सिंपल बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, अगर सपोज करो आपके घर में कोई मेड आ रही है तो मेड अपना समय आपको दे रही है, अपना समय आपको बेच रही है, बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उससे उसका बेनिफिट हो रहा है, उसका घर का खर्चा चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेड एक ऐसी चीज है जिसमें कि हर इंसान दूसरे को कुछ बेच रहा है। ट्रेड का मतलब है कि हम लोग हर वक्त जो है कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, और वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि ट्रेड की वजह से ही जो है हर इंसान जो है पहले से बेटर होता है, उसकी जिंदगी उसकी वजह से चलती है, उसका तो मुनाफा होता है। तो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, हम लोग, अब जैसे कि मैं ही हूं, अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपनी नॉलेज बेच रही हूं, ठीक है, मैं अपना समय बेच रही हूं, अगर मैं ये वीडियोस बना रही हूं तो मैं जो है ये अपना समय दे रही हूं क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि बाद में बच्चे पढ़ेंगे, आगे कुछ यू नो बनेंगे, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे से पढ़ के बच्चे आगे निकले, क्योंकि आजकल इतने सारे कचरा वीडियोस घूम रहे हैं और कोई भी उठा के कुछ भी पढ़ाना शुरू कर देता है, चाहे उसके पास वो नॉलेज है या नहीं, क्वालिफिकेशंस है या नहीं, तो क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरा भी बेनिफिट है कि बच्चे आगे निकल रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, और बच्चों का भी बेनिफिट है क्योंकि उनको जो है कुछ एक ऑथेंटिक नॉलेज मिल रही है। सो ट्रेड इज समथिंग, जब वो डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या दे रहा है, अपनी मेडिकल सर्विस बेच रहा है, ठीक है, तो वो आपसे फीस लेता है, बदले में आपको कंसल्टेशन देता है। तो ट्रेड का मतलब सिंपल लेन देन होता है, सिंपल जो है खरीद बेच होता है, इससे ज्यादा जो है ट्रेड का, हाँ स्पेसिफिक केस में आप इसको फॉरेन ट्रेड में बात करते हैं नॉर्मली, बट नॉर्मल केस में ट्रेड का मतलब होता है सिंपल खरीद बेच, सिंपल जो है लेना या देना। ठीक है, तो वो एक सिंपल बार्टर एक्सचेंज भी हो सकता है या फिर सिंपल जो है बाइंग एंड सेलिंग भी होता है, और ट्रेड की वजह से जो है हर इंसान बेटर ऑफ होता है। तो इनफैक्ट अगर जो है बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड घूमते हैं, या बहुत सारे जो हम लोग, आपने जो है मेरे ख्याल से स्कूल लेवल पे जब ये पीपल एज रिसोर्स क्लास 9 में जब इकोनॉमिक्स के पीपल एज रिसोर्स के चैप्टर करा था तो मैंने उसमें कुछ बना रखे हैं वीडियोस, तो उसमें भी था, हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी थी, तो बहुत लोग कुछ, या फिर पॉवर्टी के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत लोग जो गरीब होते हैं वो इसलिए इतने ज़्यादा गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा कुछ बेचने को होता ही नहीं, मतलब उनके पास कुछ नॉलेज नहीं होती, उनके पास सिर्फ अपना टाइम होता है बेचने के लिए। ठीक है, बिना नॉलेज के उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस टाइम पर आप उसको क्या करवा सकते हैं, आप उसे सिर्फ झाड़ू पोछा लगवा लोगे, आप उसे कुछ सामान उठवा लोगे, एक लोडर की तरह काम कर लेगा, खुदाई का काम कर लेगा, पर अगर उसी समय के साथ उसकी नॉलेज भी लग जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा वो बेचेगा, मतलब अपने समय के साथ साथ अपनी मेंटल नॉलेज भी अगर वो बेच रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके इनकम का सोर्स बढ़ता जाएगा, उसका इनकम की जरिया बढ़ती जाएगी और जो है वो भी बेटर ऑफ हो जाएगा, उसकी तो इनकम बढ़ेगी और दूसरा जो कि उसकी सर्विस ले रहा है वो भी बेटर ऑफ हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि आपके घर में एक मेड आती है या एक ड्राइवर आता है, सफाई करने वाला आता है, जिसको कि कुछ भी नहीं आता होता,
ठीक है, तो अगर आप एक कार क्लीनर लगाते हो तो उसको बिल्कुल अक्ल ही नहीं है सफाई करने की, तो हो जाता है वो बिल्कुल समय तो उसने लगा दिया पर वो हो जाता है आपकी पूरी कार के ऊपर स्क्रैचेस डाल के चला जाए क्योंकि उसको सफाई करने की समझ नहीं है। और वहीं पे आप एक ट्रेन्ड पर्सन लगाते हो, समय उसका भी लग रहा है पर वो साथ में अकल लगा रहा है, तो उससे जो है उसकी भी इनकम ज्यादा होगी क्योंकि आप उसको ज्यादा पैसे दोगे और आपका भी बेनिफिट ज्यादा होगा क्योंकि आपको जो है एक बेटर सर्विस मिल रही है। तो इसलिए ट्रेड से हर एक को, सो ट्रेड कैन मेक एवरीवन, तो ट्रेड हर एक को जो है बेटर बना सकता है, हर एक के लिए जो है फायदेमंद है, हर एक के लिए जो है ये बहुत फायदे की चीज है। तो इसलिए जहां तक हो सके कोशिश करो अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप अपना कुछ अपने अंदर कुछ जनरेट करो और उसको जब जनरेट करोगे तो आप जब उसको बेचोगे तो आपके पास इनकम ज्यादा होगी, तो उससे आपका भी बेनिफिट है और दूसरे लोगों का भी बेनिफिट है एंड ऑब्वियसली सोसाइटी का तो बेनिफिट है ही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, कमिंग टू नंबर सिक्स, मार्केट्स आर अ गुड वे। अब देखो आप, मैंने ना हर एक मैंने क्या कर रखी है, अंडरलाइनिंग कर रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी अंडरलाइनिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये आपने ना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अरे यार, ठीक है, तो मार्केट्स आर अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि पहली बात तो इसमें दो तीन चीजें, एक तो पहली बात तो हमारे को ये समझना है कि मार्केट्स आखिर होती क्या है। ठीक है, नाउ मार्केट, आप सबके सब मार्केट को समझते हो, आपने सब मार्केट्स देखी हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, यू नो, खरीद बेच करने के लिए। तो बेसिकली मार्केट क्या है, मार्केट सिंपली और कुछ भी नहीं है, मार्केट एक मिनट इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट क्या तरीका है, मार्केट कुछ नहीं है, एक जरिया है, एक मैकेनिज्म है, एक जरिया है जिसकी वजह से जो बायर्स हैं जिनको खरीदारी करनी है और जो सेलर्स हैं जिनको कि कुछ सामान बेचना है वो आपस में पास आ जाते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो एक दूसरे से मिलकर आपस में सौदा कर सकते हैं, एक दूसरे का जो भी उनके पास सामान है वो खरीद बेच कर सकते हैं। अगर कोई बायर और सेलर आपस में कोई जरिया ही नहीं है मिलने का, ना तो कोई बायर कुछ खरीद पाएगा जिसको सामान खरीदना है, वो ना तो वो कुछ खरीद पाएगा, और जो सेलर है जिसने कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग करा कि ना वो कुछ बेच पाएगा, तो कोई ना कोई तो एक जरिया होना चाहिए ना जहाँ पे कि दोनों आपस में सामने आमने सामने आ सके और आपस में एक दूसरे के साथ जो भी उनका लेन देन है, जो मोल भाव है वो कर सके। तो जो मार्केट है वो किसी भी तरह की हो सकती है। हम सब नॉर्मली जो है मार्केट के बारे में जो है ना सिर्फ ये समझते हैं कि मार्केट जो होती है वो सिर्फ ये जो है ना जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, यू नो, ये मॉल्स हैं, फेयर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं। ठीक है, ये तो होती ही है मार्केट, बट आजकल जो है ये आपकी वर्चुअल मार्केट्स भी शुरू हो गई हैं, जैसे कि आपका ये अमेजोन है। ठीक है, वॉट इज अमेजोन, अमेजोन इज नथिंग बट अ मार्केट, इट्स अ वर्चुअल मार्केट जहाँ पे कि आप डायरेक्टली सेलर को नहीं देख रहे हो, आपको डायरेक्टली सेलर नहीं दिख रहा है, बट एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया है जहां पे कि सेलर भी अपना सामान डालते हैं और आप भी वहां पे लॉगिन करते हो, तो सेलर को भी दिख रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उसकी वेबसाइट को या उसका जो प्रोडक्ट है उसका खोलकर कितने हिट्स आ रहे हैं देखने में, रोज कितने आ रहे हैं, और बायर को भी पता चलता है कि अच्छा ये चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो जो है मार्केट कैन बी रियल एंड मार्केट कैन बी वर्चुअल। तो आजकल जैसे ब्लिंकिट वगैरह हैं या जेप्टो वगैरह हैं जो कि 5 मिनट्स डिलीवरी ऑफर करते हैं, ठीक है ना, तो दोज आर ऑल्सो मार्केट्स, एक ऐसा जरिया जहाँ पे कि लोग आके अपना सामान, यहाँ पे कि बायर्स एंड सेलर जो है आपस इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिर होती क्या है। नाउ अगर आपको याद हो तो आपने जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लास 9th में, आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से पीपल एज रिसोर्स का जो चैप्टर था उसमें भी ये इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नाउ मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ मैं इधर उधर, जो लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो खरीद बेच हो सकती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आती है, जिसकी वैल्यू होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आती है, एंड द आंसर इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। हर चीज़ जो कि खरीद बेच होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है जो कि कोई भी नहीं याद रखता, वो है कि वो लीगल होनी चाहिए।
वो कुछ ऐसा सामान होना चाहिए जिससे कि देश की तरक्की हो, जिस देश का बेनिफिट हो। अगर आप इलीगल सामान की बात करें, क्योंकि उसकी भी खरीद बेच हो रही है, क्योंकि नॉर्मली लोग यही पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि इनको नॉलेज कुछ नहीं और अपना चैनल खोल के बैठ गए और वो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिसमें तुम्हारा मुनाफा होता है, जिसमें प्राइस हो, जिसमें खरीद बेच होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जबकि नहीं। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेसिफिकली उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें कि कुछ नया बन रहा है। पहली बात तो कुछ नया सामान बन रहा है, ठीक है, इट हैज टू बी समथिंग न्यू। कुछ पुराने सामान को ही अगर आप यू नो इधर से उधर बेच खरीद बेच कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आती। पहली बात तो जो है एक कुछ नया सामान बन रहा है। दूसरा, वो जो नया सामान बन रहा है वो लीगल होना चाहिए। अगर आप सपोज ड्रग्स की बात करें, सपोज जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा यू नो जैसे कि मेक्सिको वगैरह है, ड्रग लॉज वगैरह है, तो आप ये कहो कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, नहीं, क्योंकि उस ड्रग्स से ना तो उस देश का फायदा हो रहा है, ना बाकी लोगों का, बाकी दुनिया का फायदा हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर आप कहीं पर जो है टेररिज्म हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो यू नो उसमें बहुत सारा मनी है, बहुत सारा खरीद बेच इन्वॉल्व हो रहा है, आर्म्स एंड एम्युनिशन इधर से उधर स्मगल हो रहे हैं, बहुत सारा स्मगलिंग चल रही है, तो क्या उससे देश की तरक्की हो रही है, क्या उससे दुनिया की तरक्की हो रही है? ऑब्वियसली आंसर इज नो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने हमेशा यह याद रखना है कि कुछ भी ऐसी चीज है जो कि पहली बात तो नया सामान बन रहा है, जनरेट हो रहा है, दूसरा जो है वो इट हैज टू बी लीगल। ठीक है, वो लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड पर एक और चीज कि उससे कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट्स होए या ना होए। ठीक है, अब हमने जो है इसमें दो चीजें समझी हैं, एक तो है मार्केट्स के बारे में और दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से पूरी तरह पढ़ते हैं कि मार्केट्स आर अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने करनी है, कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसको करने का तरीका जो है उसका एक बहुत अच्छा तरीका है थ्रू दी मार्केट्स। क्योंकि मार्केट्स हैं, मार्केट्स की वजह से खरीद बेच हो सकती है, तो कुछ भी प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, क्योंकि हर एक को पता है कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो जो है ऐसा नहीं है कि उसको अपने पास ही संभाल के रखना पड़ेगा, उसको पता है कि एक मार्केट है जहाँ पे कि जाके वो उसको बेच सकता है। तो मार्केट की वजह से जो है बहुत सारी, क्योंकि मार्केट की अवेलेबिलिटी है, इसी वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उनको पता है एक जगह है जहाँ पे कि हम लोग जा सकते हैं, चाहे वो एक्चुअल बाजार हो, रियल बाजार हो, या वर्चुअल बाजार हो अमेजोन जैसा, जहाँ पे कि वो जाके अपना सामान बेच सकते हैं, जहां पे कि जाके वो खरीद बेच कर सकते हैं, जहां पे कि सेलर्स को ही नहीं बायर्स को भी पता है कि जहां पे जाके वो जाके अपनी जरूरतें जो है वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट्स एक इंपॉर्टेंट जरिया है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के होने का। ठीक है, तो दिस शुड बी क्लियर टू यू कि मार्केट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की फंक्शनिंग के लिए, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन का पर्पस ही यही है कि तुम आगे जाके उसको किसी को दे सको, क्योंकि ऑब्वियसली तुम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर एनजीओ भी एक सर्विस जनरेट कर रहा है, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहा है, तो वो अपने लिए तो ना कर रहा है, वो किसी दूसरे के लिए कर रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी उसके पास किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो मार्केट इज अ वे ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दी सप्लायर एंड दी बायर। ठीक है, चलो ओके, तो ये हमने कर ही लिया था। अब नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, ठीक है, कि हाउ पीपल इंटरैक्ट की जो कैटेगरी है, दैट गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स इंप्रूव मार्केट आउटकम्स। नाउ अब इसमें जो है हमने गवर्नमेंट्स का रोल इन्वॉल्व कर लिया है। मार्केट जो है हमने देखा एक जरिया होता है बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। तो अगर सपोज करो ये आपकी एक मार्केट है, मैं इसको MKT लिख देती हूँ, ठीक है, तो मार्केट एक जरिया है जहाँ पे कि एक तरफ से जो है सेलर आ रहा है और दूसरी तरफ से जो है वो बायर आ रहा है। ठीक है, ये आपका बायर, ये आपकी मार्केट है। तो अब जो है मार्केट में क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो जो है प्राइस की निगोशिएशन होती है, ठीक है, कि कितने प्राइस पे सामान बिकेगा और उस प्राइस के लिए कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, ठीक है, वो डिसाइड होती है ना। अब जो है ये तो हमारे को समझ में आ गया कि मार्केट्स एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बायर्स एंड सेलर जो है इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यही हमारा एम है। ये जो हमारा जो कैटेगरी है जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो यही है कि हाउ पीपल इंटरेक्ट। तो पीपल में दिस इज बोथ बायर्स,
तो पीपल में कौन कौन है, इसमें बहुत बायर्स भी आ रहे हैं एंड इसमें जो है सेलर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है तो मार्केट एक जरिया है, बट देन अब हमने अब इसमें तीसरी एक और जना इसमें इन्वॉल्व कर लिया है और उस तीसरे जने का नाम है गवर्नमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग गवर्नमेंट को इंक्लूड कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक और चीज इंक्लूड करी है गवर्नमेंट, कि कभी कभार समटाइम्स, ठीक है, मार्केट में जो हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से, वो जो हो रहा है, वो जो ट्रेड हो रहा है, जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, उसकी वजह से वो जो ट्रेड है वो ज्यादा अच्छी तरह से हो पा रहा है, ठीक है। तो समटाइम्स लिखा है इसमें, एक चीज आपने बहुत ध्यान देनी है कि इसमें लिखा है समटाइम्स, हर वक्त नहीं। हर वक्त अगर गवर्नमेंट हर चीज में घुसी रहेगी तो वो सत्यानाशी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने, हम लोगों ने जो है ये कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म में भी डिस्कस करा है, मैंने जो 9th क्लास की जो हिस्ट्री के जो वीडियोज बनाई है उसमें जो रशियन रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें मैंने बात करी है इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिज्म वो सिस्टम है जहाँ पे कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी मार्केट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होती नहीं है, कौन कितना बेच रहा है, कितना खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है, कितने प्राइस पे बिक रहा है, गवर्नमेंट्स को ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ अपना काम करती है, विच इज़ लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, टैक्सेशन, ठीक है। सोशलिज्म उसके मुकाबले में वो सिस्टम है जहां पे कि मार्केट्स जो है ना हर वक्त जो है ना हर सॉरी गवर्नमेंट्स जो है ना वो हर वक्त घुसी रहती हैं, हर चीज बताएंगी कि कौन कितना सामान खरीदेगा, क्वांटिटी भी वो बताएंगी कि कितना सामान तुम खरीद सकते हो या बेच सकते हो, किस प्राइस पे खरीद बेच होगी, क्या वेराइटी होगी, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, कौन सा एरिया होगा, उसे कौन सा टाउन है, कहाँ पे बेच सकता है, सिटी है, फिर उसमें क्या क्या यू नो अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, हर चीज़ में जो है गवर्नमेंट घुसती है ना। इतना ज़्यादा बिना किसी दूसरे के इन्वॉल्वमेंट से ना वो काम खराब ही हो जाता है, मतलब तुम अगर किसी दूसरे को हर बस इंस्ट्रक्शन देते रहो ये कर वो कर वो कर, वो काम ही छोड़ के भाग जाएगा। और यही वजह है सोशलिज्म के फेल होने का। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोशलिज्म वो सिस्टम है जो कि 20th सेंचुरी में शुरू हुआ रशियन रेवोल्यूशन से। अगर आपको याद हो तो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, रशियन रेवोल्यूशन से ये शुरू हुआ। और उसी 20th सेंचुरी में 1991 पे जो है ये जाके ख़त्म हो गया। तो ये स्टार्ट हुआ उसी सेंचुरी में और एंड भी उसी सेंचुरी में हो गया, क्योंकि और उसी कंट्री में ख़त्म हुआ, रशिया में ही ख़त्म हो गया ये। और क्योंकि रशिया वाले ही लोग परेशान हो गए थे सोशलिज्म से कि क्या हो क्या रहा है, हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट देगी क्या, हम तो खुद कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ही बताएगी तुम इतना खरीदोगे उतना नहीं खरीदोगे। तो उससे 100% की मैं पहले भी बता चुकी कि 100% इक्वालिटी भी हर वक्त ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब हर वक्त तुम 100% इक्वालिटी कर सको, जैसे कि मैं एग्जाम लूँ, एग्जाम में मैंने कह दूँ कि हर एक को जो है मैं 50% मार्क्स ही दूंगी, चाहे किसी ने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ कर आए उसको भी 50% दे दिए, जो बहुत इंटेलिजेंट है जैसे बहुत अच्छे मार्क्स दिए एग्जाम दिया उसको भी 50% मार्क्स दे दिए, तो वो इंसेंटिव जो है ना मेहनत करने का वो खत्म हो जाता है, काम करने की मेहनत ही खत्म हो जाती है। आपको याद है हमने जो पहला जो चार रूल्स करे थे जिसमें कि हाउ पीपल टेक डिसीजन, उसमें फोर्थ रूल यही था दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। पर अगर आप हर चीज में इक्वालिटी कर दोगे, 100% इक्वालिटी कर दोगे, सब कुछ बराबर है, तो वो इंसेंटिव का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। लोगों के अंदर जब इंसेंटिव ही नहीं रहेगा तो डिसीजन क्या लेंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर मैं कह दूं हर एक को कि सबको जो है ना 90% मार्क्स मिलेंगे, चाहे किसी ने कुछ करा हो या ना करो, हर एक को जो है ना 90% मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे कोई बिल्कुल ही जीरो हो, तो कोई इंसान जिसके कि जीरो आने चाहिए उसको भी 90% मार्क्स मिल रहे हैं, और जिसको जो है ऑब्वियसली 100% आ रहे हैं उसके भी 90% मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये जो जीरो वाला जो इंसान है वो क्यों मेहनत करेगा, उसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, उसको पता है कि मैं ना भी मेहनत करूं ना भी पढ़ूं मेरे को 90% मार्क्स मिल ही जाने, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इंसेंटिव सिस्टम खत्म हो जाता है। तो सोशलिज्म जिसमें कि गवर्नमेंट हर वक्त घुसी रहती है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। पर कैपिटलिज्म जिसमें कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती, वो भी थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि मार्केट्स में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल ना लगाए, जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे हो, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इंडिया में जो स्पाइसेस बन रहे हैं, जो मिर्च मसाले बन रहे हैं, वो कितने अडल्ट्रेटेड आ रहे हैं। तो वो इतने अडल्ट्रेटेड आ रहे हैं कि हमारे फॉरेन कंट्रीज में हमारे स्पाइसेस को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मार्केट के ऊपर छोड़ रखा था, खरीद बेच के ऊपर छोड़ रखा था, सेलर जो बना रहे हैं स्पाइसेस के नाम पर, जो भी रंग वंग डाल के जो भी कूड़ा करकट बना रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं, बायर्स मजबूर हैं खरीदने के लिए, क्योंकि कैसे पता होगा वो
खरीदे जा रहे हैं, और उसमें आया कि उसमें बहुत सारे जो है ना कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं जिनके आगे जाके कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में अगर बीच बीच में अगर गवर्नमेंट जो है इंटरफीन करे, तो उनकी वजह से जो मार्केट का जो सोल्यूशन है या मार्केट का जो रिजल्ट है या जो जो मार्केट में हो रहा है वो प्राइस या आउटपुट या क्वालिटी या जो भी कुछ है वो इम्प्रूव कर सकती है। तो गवर्नमेंट की वजह से जो है मार्केट का जो सोल्यूशन है, जो मार्केट ने जो डिसाइड करा है कितनी प्राइस, कितनी क्वांटिटी, क्या क्वालिटी होएगी, ठीक है, क्या वैरायटी होएगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कभी कभार अगर हो तो गवर्नमेंट की इंटरेक्शन की वजह से या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव कर सकती हैं, दे कैन इम्प्रूव ओवर टाइम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमारे को चाहिए क्यों होती है, जो कि मैंने एक अभी आपको एग्जांपल बता दिया कि किस तरह से जो है इंडिया में जो स्पाइसेस है वो अडल्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह के हालात होते हैं, इनके इन हालातों के एक टेक्निकल नाम है, तो थोड़ा सा उन टेक्निकल नामों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बार स्टेप इन करना पड़ता है, बीच में घुसना पड़ता है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट फेलियर। लुक एट द टर्म मार्केट फेलियर। फेलियर का मतलब है कि मार्केट जो है हार गई है। वो सिचुएशन है जब मार्केट की वजह से, देखो मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को समझ में आता है कि उसको क्या बनाना है और कितना बनाना है, क्योंकि जो लोग बायर्स मांग रहे हैं और जिस क्वांटिटी में जिस क्वालिटी में मांग रहे हैं उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को कैसे पता चलता है, क्योंकि मार्केट के थ्रू, क्योंकि जब आपस में आमने सामने आते हैं एक बात होती है या वो लोग पूछते आते हैं कि तुम ये है कि आपके पास सामान, वो है कि आपके पास सामान, तब उनको पता चलता है कि अच्छा, प्रोड्यूसर्स को पता चलना शुरू होता है कि अच्छा बायर्स को ये चीज़ चाहिए। बहुत बार प्रोड्यूसर जो है सर्वेस भी निकालते हैं, ठीक है, तो उससे उनको आइडिया लग जाता है कि क्या सामान जो है उनको लोगों को चाहिए, वो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। बट कई बार ये सिचुएशन जो है ऐसी काम करती है कि इससे जितना जो प्रोडक्शन हो रही है वो उस तरह से नहीं होती जो कि होनी चाहिए। उतना जो कई बार जो मार्केट्स है ना इस तरह से फंक्शन करती हैं कि वो जो गुड्स की जो प्रोडक्शन हो रही है या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो ना तो सही क्वांटिटी में हो रही है और ना सही प्राइस में हो रही है। इन द राइट क्वांटिटी एंड प्राइस जो है वो उनकी जो प्राइसिंग भी गलत मार्केट की वजह से डिटर्मिन हो रहा है एंड उनकी क्वांटिटी भी गलत डिटर्मिन हो रही है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वजह आती हैं, जैसे कि इसमें कई बार हम लोग लेते हैं जैसे कि वैक्सीन है, ठीक है। वैक्सीन जो है, अगर आपको कोरोना का टाइम याद है, ठीक है, कोरोना वायरस का अगर आपको टाइम याद है, तो कोरोना के टाइम पे जब इनिशियली जब वैक्सीन आई थी तो सबने लगाने से मना कर दिया था कि हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही थी। पर जब सबको लगा, जब गवर्नमेंट को लगा कि इस तरह से अगर सबको वैक्सीन लगाएगा ही नहीं तो ये बीमारी ख़त्म कैसे होगी, तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, उनको मैंडेटरी करना पड़ा, तो जो है वैक्सीन की प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम्स बढ़ी और लोगों ने लगवाया भी, ठीक है। वो बात अलग है कि आजकल कोविशील्ड के काफ़ी ज़्यादा नुकसान बताए जा रहे हैं, बट एक अलग चीज़ है। पर उस टाइम पे जो है अगर लोग बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगाते, बिल्कुल अगर गवर्नमेंट छोड़ देती मार्केट के ऊपर कि भैया जिसको लगाना लगाएगा, जिसको खरीदनी खरीदेगा, जिसको लगाना लगाएगा, नहीं लगाना नहीं लगाएगा, हमारे को क्या लेना देना, तो अधिकतर पॉपुलेशन ने वैक्सीन नहीं लगाई हुई होती, जो कि बाद में फिर बहुत घातक साबित हो सकती थी, ठीक है। सिमिलरली जो है आप पोल्यूशन को अगर देखें कि अगर जो है गवर्नमेंट बिल्कुल भी पोल्यूशन का ध्यान ना ही दे, लोगों के ऊपर कंट्रोल ना लगाए, अब जैसे कि आपके ये बहुत सारे जो आते रहते हैं ये जो भारत BS6 नॉर्म्स हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स हैं, ये जो कारों में अगर होता है, अगर आपने देखा होगा तो कारों में BS6 नॉर्म्स आजकल भारत स्टेज 6 नॉर्म चल रहा है, ऐसे यूरोप में जो है चलता है यूरो स्टेज, ठीक है, कि अब जो है आपको इतनी जो है कार की टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल भी धुआं ना छोड़े। अगर गवर्नमेंट इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए तो लोग बिल्कुल घटिया से घटिया इंजन लगा के जो है ना अपनी कारों में चलना शुरू करते हैं कि सस्ते से सस्ता इंजन, कि हमारा खर्चा नहीं हो रहा, उनको कोई मतलब नहीं पॉल्यूशन हो रहा है तो होता रहे, कि वो तो दूसरा जना भुगत रहा है, उनकी एक इंसान की कार की पॉल्यूशन की वजह से दूसरा इंसान भुगत रहा है, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है मार्केट फेलियर की, कि मार्केट जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही, वो प्रोडक्शन जो होनी चाहिए, जिस सामान की प्रोडक्शन होनी चाहिए वो सामान की प्रोडक्शन नहीं हो रही और ना ही उसकी क्वांटिटी में हो रही है, ठीक है। और इसकी जो है मार्केट फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटी।
लुक एट द टर्म एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नल से बना ये वर्ड, आप खुद समझने की कोशिश करो। एक्सटर्नल मतलब कुछ बाहरी चीज, बाहरी का मतलब क्या है इसमें, इसमें बाहरी का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी हर इंसान एक्शन कर रहा है उसके इम्प्लीकेशंस सिर्फ उसी पे नहीं हो रहे बल्कि किसी दूसरे पे भी हो रहे हैं जिससे जिसका कि कोई लेना देना ही ना। सपोज करो कि एक इंसान है जो कि स्मोकिंग करता है, ठीक है, अब स्मोकिंग तो वो खुद अपने लिए कर रहा है पर उससे जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है उससे आसपास के लोगों को अस्थमा हो रहा है, उसको उनको खांसी आ रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी कि तुम जो एक्शन कर रहे हो उससे सिर्फ तुम्हारे को ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, उससे दूसरे के ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, वो नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो है कुछ बच्चा क्लास के अंदर एंटर करे और बहुत अच्छा परफ्यूम लगाकर आया है तो एकदम सब कुछ महक जाता है, दैट इज ऑल्सो तो That's an externality कि उसके परफ्यूम लगाने से सिर्फ वो ही फ्रेश फील नहीं कर रहा, वो तो फ्रेश फील कर ही रहा है, आसपास के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वो भी बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब वो एक दिन लगाया के आया, दूसरे दिन नहीं लगा कर आएगा क्योंकि उसको लगता है मेरा परफ्यूम खत्म हो जाएगा, दिस इज अ मार्केट फेलियर, क्योंकि उसको कोई इंसेंटिव ही नहीं है रोज परफ्यूम लगा कर आने का। अगर आप उसको कॉम्पनसेशन देना शुरू कर दो, उसके से ताली बजा दो कि भाई तू लगा कर आए जिसकी वजह से हमारे को जो है बड़ा फ्रेशनेस फील हो रही है, तो उसकी वजह से उसको एक इंसेंटिव मिल जाएगा, जो आपको रूल नंबर 4 था, द पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। तो ये एक एक्सटर्नैलिटी सिचुएशन है, ठीक है, और इस सिचुएशन में किसी ना किसी को अब बीच में घुसना पड़ेगा, तो चाहे वो टीचर ही बीच में घुसे, वो एक गवर्नमेंट बनके, एक गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरों के लिए रूल्स बनाती है, तो यहाँ पे एक टीचर हो सकती है, टीचर कह सकती है उसको कि ठीक है, वो एक एक्सटर्नल गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट का रोल अदा कर सकती है और वो कहती है कि ठीक है बेटा मैं ना रोज जो है ना तेरे लिए तालियां बजवाऊंगी अगर तू अपना ये लेमन वाला या लेमन ग्रास वाला जो है परफ्यूम लगा कर आएगा, ठीक है, तो एक इंसेंटिव मिला, तो उसकी वजह से वो जो है रोज लगा कर आ रहा, तो हर एक को रोज बेनिफिट हो रहा है। अगर उसको कोई कोई एक्सटर्नल एजेंसी या गवर्नमेंट कोई भी उसको कोई कह ही नहीं रही है तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है लगा कर आने की, ठीक है। तो मार्केट फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह होती है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है अ सिचुएशन जब जो भी तुमने एक्शन करा है, किसी भी इंसान ने, इकोनॉमिक एजेंट मतलब कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, उसका जो एक्शन का जो इम्पैक्ट आता है वो सिर्फ उस खुद के इंसान के ऊपर नहीं आता बल्कि किसी दूसरे इंसान के ऊपर आता है, बाहरी इंसान के ऊपर आता है जिसने कि उसने ना तो खरीदा है ना बेचा है, कुछ भी नहीं करा हुआ, बस उसके ऊपर इसका असर आता है। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी हो सकती है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी हो सकती है, ठीक है। पर अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो जो इंसान है उसके ऊपर तुम अगर पेनल्टी नहीं लगाओगे तो वो कुछ ना कुछ वो गलतियां करता ही रहेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि दूसरों को फायदा हो रहा है पर अगर आप उसको कॉम्पनसेशन नहीं करोगे, आप उसको कोई बेनिफिट ही नहीं दोगे तो वो क्यों बार बार मेहनत करता रहेगा, क्योंकि मेहनत तो उस इंसान के लिए बेनिफिट सबको हो रहा है, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन में उसको एक कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो किसी ना किसी को, किसी सरकार को या किसी एक्सटर्नल एजेंसी को ये काम अदा करना पड़ता है और तब जो है मार्केट का जो रिजल्ट है, जो फाइनल जो है सबका जो है वो बेनिफिट होता है। तो अगर गवर्नमेंट कभी कभार बीच में स्टेप इन करे तो उससे जो है हमारी जो प्रोडक्शन है आउटपुट भी सही हो जाता है जो कि गलत क्वालिटी में चल रही थी, और प्राइस भी जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है और तुमने उस पर पेनल्टी लगा दी तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, अगर कोई सही काम कर रहा है और आपने उसको कॉम्पनसेशन दे दिया तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि पहले बहुत कम चल रही थी। तो पहले जो है उस चीज़ की प्रोडक्शन बहुत कम चल रही थी, ठीक है, वो अच्छी चीज़ थी, लोगों को फ़ायदा हो रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था, पर आप उसको किसी भी तरह से कॉम्पनसेट नहीं कर रहे थे, तो अगर आप उसको कॉम्पनसेट कर दो तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मार्केट ने तो बहुत कम प्रोड्यूस करा था। सिमिलरली अगर कोई गलत चीज़ है जिससे कि दूसरों को नुकसान हो रहा है, अगर आपने उसके ऊपर कंडीशंस लगा दी, पेनल्टी लगा दी, तो उसकी प्रोडक्शन जितनी ओरिजिनल मार्केट की वजह से हो रही थी, खरीद बेच की वजह से हो रही थी, उसकी प्रोडक्शन जो है उससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही मतलब है इस। ओके, नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रीजन फॉर मार्केट फेलियर, ठीक है, या फॉर द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। तो एक हमने देख लिया रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है,
ठीक है, वो है मार्केट फेलियर। कि मार्केट फेलियर मतलब कि मार्केट जो है वो जितनी क्वांटिटी में सामान बनना चाहिए, चाहे ज़्यादा या कम, उतनी क्वांटिटी में सामान जो है बनवा नहीं पा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को आके कुछ कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं, जिससे कि सामान उतनी क्वांटिटी में बने और उस प्राइस पे बिके जिस प्राइस पे उसको बिकना चाहिए, जो कि हर एक के लिए फायदेमंद है। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से जो है मार्केट में गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट एट टाइम्स या इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट होती है, वो है समथिंग विच इज नोन एज मार्केट पावर। नाउ लुक एट द टर्म मार्केट पावर। मार्केट के ऊपर पावर, मार्केट के ऊपर कब्जा, मतलब क्या कि ये वो सिचुएशन है जब कोई एक इंसान इतना बड़ा बन जाए कि वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, वो चाहे वो प्रोड्यूसर है, वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर हो गया कि वो डिसाइड करेगा कि बायर जो है कितने प्राइस में खरीदेंगे सामान, क्या क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है एटाइम्स कि बायर की कोई एक पर्टिकुलर बायर वो इतना बड़ा बन जाए कि वो डिक्टेट कर रहा है टर्म्स कि मैं तो ये सामान इतना ही लूंगा और इतनी ही कीमत पे लूंगा, तुझसे जो होता वो कर ले। दैट सिचुएशन इज नोन एज मार्केट पावर, जो कि एक सिचुएशन होती है मोनोपोली की। मोनोपोली आई एम श्योर इज अ टर्म जिससे कि हर कोई जो है बहुत वाकिफ होगा, ठीक है। नाउ मोनोपोली में बेसिकली क्या होता है, एक सेलर होता है, मोनोपोली जो सिचुएशन की एक सेलर है। नाउ आई रियली वांट कि अब आप ना सोचो, गिव थिंक ऑफ सिचुएशन जहां पे कि सिर्फ एक सेलर है। आई रियली वांट यू टू थिंक ऑफ सिचुएशन जहां पे कि सिर्फ एक सेलर है। पूरी दुनिया में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही सेलर है। ओके, कम अप विद आंसर्स, कुछ दिमाग में आया? नाउ संदीप गर्ग की बुक देखकर वहां से जो है ना रेलवेज मत बोल देना, ठीक है। अधिकतर बच्चे जो है ना वो संदीप गर्ग की बुक से देख के रेलवेज बोलते रहते हैं। ट्राई टू बी इनोवेटिव, पहली बात तो रेलवेज गलत है, एंड सेकेंडली ट्राई टू बी इनोवेटिव, थोड़ा सा ट्राई टू बी इनोवेटिव, अपना खुद का दिमाग लगाओ। जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना अच्छा आपका दिमाग शार्प होएगा। मोनोपोली इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे कि सिर्फ एक सेलर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंपल विंडोज, विंडोज जो है पूरी वर्ल्ड में एक ही कंपनी बेचती है, विच इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप आईफोन के बारे में बात करो, वो जो आई वाला जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जो कि उसको बेचती है, विच इज द एप्पल, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि अगर आप फेसबुक के बारे में बात करो, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जो कि फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म बेच पा रही है, कोई और उसके मुकाबले में कोई और प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारी इज आर सिचुएशंस ऑफ मोनोपोली, ठीक है ना। जब ये मोनोपोली की सिचुएशन होती है तो एक इंसान इतना, कोई भी चाहे वो सेलर है या बायर है, वो इतना पावरफुल हो जाता है, वो इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाता है कि पूरा का पूरा मार्केट को डिक्टेट करने लग जाता है। मार्केट में कितना प्राइस पे बिकेगा सामान, क्या क्वांटिटी पे बिकेगा, ये सारा का सारा जो है वो डिक्टेट करने लग जाता है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय अ मोनोपोली जैसी है। और दूसरा, ये इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करती है कि हमें क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। बायर जो है या जो कंज्यूमर है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है बहुत, क्योंकि इनके मतलब पूरी दुनिया ही इनकी सब्सक्राइबर है, तो ये अब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हैं। तो जब इस तरह के हालात हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को स्टेप इन कई बार करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को जो है इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में फेसबुक के ऊपर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस अब लगनी शुरू हो गई हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे परेशान हो गई कि बच्चे जो है इतना ज़्यादा फेसबुक पे लग गए हैं या इतना ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम पे लग रहे हैं कि उनका पूरा कैरियर खत्म हो गया है, वो कुछ और एक्टिविटी करते ही नहीं है, तो वो बैन करते जा रहे हैं। वहाँ पे एक आध स्टेट्स ने तो बैन कर दिया, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और बहुत सारी कंट्रीज में बातचीत भी शुरू हो गई है कि इन जो कंपनीज है, जो इतनी बड़ी कंपनीज होगा, इनको डिवाइड करके, इनको तोड़ के जो है 2-3 छोटी-छोटी कंपनीज बनाई जाए। तो यही वजह है, तो जब तक गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करेगी तो ये जो कंपनीज हैं ये अपनी जो मोनोपोली पावर है उसका फायदा उठाती रहती हैं और जो है मार्केट को अपने हिसाब से चलाती हैं, इकोनॉमी को जो है वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं। तो गवर्नमेंट के होने की वजह से इनके ऊपर थोड़ी सी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगती रहती हैं, तो ये जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं। तो इसीलिए जो है ये आपका ये स्टेटमेंट
कहते हैं दैट गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स, कभी कभार, हर बार नहीं, सोशलिज्म की तरह, जैसे कि सोशलिज्म है तो हर वक्त ही गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में घुसी रहती है, सोशलिज्म की तरह नहीं, बल्कि कभी कभार जो है अगर एक्ट करे तो वो उसकी वजह से जो है मार्केट की जो सिचुएशन है या इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती है. ठीक है, तो दैट कैन इम्प्रूव ओवर टाइम. ठीक है, तो अब हमने जो है पूरा जो सेकंड कैटेगरी है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी का, वो भी अब हमने जो है कंप्लीट कर लिया है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लास्ट जो कैटेगरी बची है 10 प्रिंसिपल्स की, अब उसको करेंगे. ठीक है, तो चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ. ओके, बाय.